हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित में ही पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियजनों, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी को धन्यवाद देंगे, ठीक है। मेरे प्रियजनों, यदि दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, पिता डरे हुए हैं, तो आज आपको पिता परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएँ हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएँ हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह हमारे मनों को, हमारी इच्छाओं को जानता है परमेश्वर। वह सर्वशक्तिमान है, अल्फा ओमेगा, दुरंत है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, निश्चय मैंने तेरे दुखों को, तेरे रोगों को, तेरी बीमारियों को, तेरे पापों को मैंने अपने ऊपर ले लिया हूँ, कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्रियजनों, जो सजा हम सभी को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया हमारा परमेश्वर, और कलवरी क्रूस पे बलिदान हो गया, और तीसरे दिन हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा। वह जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, हम सभी लोग जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा जीवन जो तुम में बना रहे, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे परिजनों, 100% हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से पुकारना है। वो इतना महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे दुखों को, तेरे रोगों को जीव का त्यूग करने वाला परमेश्वर है। मेरे परिजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मेरे जब सभी को यीशु मसीह के नाम से पुकारना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाना है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन को नया करने वाला परमेश्वर है, नो नया कर देगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियजनों, यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आप पिता की आज्ञाओं को मानेंगे। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, दयालु है और न्यायी भी परमेश्वर है। मेरे जो यीशु मसीह ने कहा है, जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके ऊपर दया की जाएगी, उसके पापों को क्षमा कर दिया जाएगा, उसके पापों को हिमकिनाए उजला कर दिया जाएगा, श्वेत कर दिया जाएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे जितने भी गंदे नंगे घिनौने पाप दुनिया के कोई भी पाप क्यों ना हो, यीशु मसीह ने कहा है, अरे तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो मैं तेरे पापों को हिमकिनाई श्वेत कर दूंगा, उजला कर दूंगा, व्हाइट के समान, बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर, मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मेरे प्रियजनों, यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी बात को लेकर टूट चुके हैं, चिंतित हैं, उदास हैं, यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो आज आपको पवित्र आत्मा की सहायता मांगना है, पवित्र आत्मा से बोलना है। यीशु मसीह हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, वो जीव का त्यू करने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा है, मैंने तुझे रोगों से, महामारियों की जाल से बचा लिया हूँ, छुड़ाने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर नहीं पाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हम सभी को अनंत जीवन दिया है, और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। यीशु मसीह ही वह सीढ़ी है जिस पर हम विश्वास करने के जरिए हम स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं। विश्वास ही में सिर्फ स्वर्ग नहीं पहुँचा सकता है, विश्वास के साथ साथ हमें कर्म भी करना पड़ता है। कर्म बिना भक्ति व्यर्थ है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनेंगे, पूरा विश्वास के साथ सुनेंगे और लास्ट तक सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे, ठीक है। चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे पिता। मेरे प्रभु, आप महान हैं पिता, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि परमेश्वर हैं, प्रजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को पिता जीवितों के बीच में
जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है यीशु मसीह। इसके लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, कि न मनुष्यों के पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता जो मर गए होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो जानते हैं फिर भी नहीं मानते हैं, वे मर गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पे चले गए होंगे प्रभु, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं मेरे स्वामी पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है पिता, उद्धार किया, छुटकारा किया है, अनंत काल का जीवन दिया मेरे पिता, इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है, मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है, तू मेरा ही है, मैंने तुझी पर चित लगाया मेरे पिता। आपने कहा है मैंने तुझे संसार से चुन लिया है, चुन के अलग कर दिया मेरे पिता। आपने कहा मेरे प्रभु आपका वचन कहता है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है मेरे प्रियजनों मेरे पिता। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं, खास दूर से प्रार्थना करते हैं पूरे विश्वास के साथ पिता, जो मसीह भावित पिता इस प्रार्थना को आँख बंद करके पूरा विश्वास के साथ सुन रही पिता, और लास्ट में आमीन बोलकर रसीब करें मेरे स्वामी यीशु मसीह आपके नाम से पिता। जो मसीह बंद बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे पड़े हैं, जो बेड पर पड़े हैं पिता, जो आखिरी सांस ले रहे हैं पिता, जूझ रहे पिता डेंगू बुखार कैंसर मलेरिया में नाना प्रकार की बीमारी में लिप्त हैं पिता, यीशु मसीह आपके नाम से पिता ये चंगे हो जाएं, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप पवित्र हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे स्वामी, अब माफ करे पिता, क्षमा करे पिता मेरे प्रभु, क्योंकि आपके पास ये अधिकार है पिता कि आप इन सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को क्षमा कर सकते हैं मेरे पिता। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार पिता हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार पिता हम सभी के अपराधों को मिटा दे मेरे स्वामी। हे परमेश्वर अपने लहू के अनुसार हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को हिम की नई स्वच्छ कर दे पिता। मनुष्य निर्बल कमजोर पिता, वह गुनाहों में, पापों में, बेविचार में गिर सकता है पिता, बिखर सकता है पिता। आपने कहा जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा मेरे पिता। मेरे पिता हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को हिम की नई स्वच्छ कर दीजिए, वाइट कर दीजिए, बर्फ के समान वाइट कर दीजिए पिता। आपका वचन कहता है प्रभु मेरे प्रभु आप जहाँ पर रहते हैं प्रभु आप वह जगह पवित्र है पिता, और वहाँ सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे मेरे पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खास दौर से पिता, प्रार्थना करते हैं पिता उन बहनों के लिए पिता जिन बहनों के बच्चे नहीं होते पिता। मेरे प्रभु तमाम इलाज करा चुके पिता, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है मेरे परमेश्वर हम नहीं जानते हैं पिता। मेरे प्रभु आप जिस प्रकार से मेरे पिता सारा को बच्चे दिए थे इतनी उम्र में मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार से पिता इन बहनों को दीजिए पिता, जिसे संतान चाहिए नहीं दीजिए पिता। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दी दिया जाएगा, दिया जाएगा। मेरे प्रभु हर एक जन को पिता पवित्र आत्मा दीजिए, उनकी पवित्र आत्मा की द्वारा सहायता करें, मदद करें मेरे पिता। मेरे प्रभु हम महान है पिता, प्रार्थना करते जो गरीब हैं, जो लाचार हैं पिता, जो कमाने नहीं पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता ये उधार ले रहे पिता, ये उधर उधर उधार ना ले नहीं पाए पिता। मेरे प्रभु ये सब कुछ छोड़ छाड़ के पिता आपके पीछे है मेरे पिता, आपका जीवन संभालिए पिता। मेरे पिता हम प्रार्थना करते जो मसीह भवन पिता रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता, भय लगता प्रभु, जब लेटे स्वामी तब इन्हें सुख की नींद नहीं पाए। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी मेरे पिता। मुझे आशा है, विश्वास है पिता आपने प्राण को सुन लिया है पिता। ये छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।